ये गाजर है, ये पालक है और ये चुकंदर है। ये पालक पीस के इसको ये आटे में नमक डाल दिया। धीरे धीरे मिलाना पड़ेगा, नहीं तो गीला हो जाएगा। ये गोलू तो गोलू सुनता नहीं सुधानो। ये पनीर घिस के पनीर का भी बनाएंगे, दो तरह के मोमोज बनाएंगे हम, एक पनीर के, पत्ता गोभी के और गाजर के, उनमें और सब्जी मिला के पनीर। नमक मिला के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी तो वो पानी छोड़ देगा, जो उसको फिर निचोड़ लेंगे ना। निचोड़ने का ये नमक मिला के डाला ना, इसलिए इसको निचोड़ के रखना पड़ता, नहीं तो पानी छोड़ता है, वो गीले हो जाते हैं। ये अजीनोमोटो मिला रहे, इतना तो गरम मसाला और गरम मसाला भाई। बस गरम मसाला डाला ना, गरम है, इसमें भी गरम मसाला डाला और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देती हूँ, हल्दी डाल और ये थोड़ा सा नमक तक नहीं पता। ये पालक से आटा मसला है और ये चुकंदर से, ये जो पीसा मिक्सर में और इसके अंदर वो मिलाया और आटा। पहले मैं पानी मोमोस उबालने के लिए रख रही हूँ, स्टीम करने के लिए।
ये गाजर, गाजर और पत्ता गोभी का घिसा हुआ मिश्रण है। इसमें सब अजुमोटोमा डाला और गरम मसाला डाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला और उसमें धनिया डालना। और ये है पनीर, इसको घिसा और इसमें हल्दी, धनिया और अजुमोटोमा गोभी और गाजर घिसा हुआ है और धनिया और अजुमोटोमा और गरम मसाला और चाट मसाला। Thank you.